सो गाइज वेलकम बैक टू अंदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा, पूरा हमारी पुरानी 1.16 वर्जन में जब मैंने अपनी सारी वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर किया था, जिसमें एक था हमारा स्टीव SMP, जिसको हम यहाँ पर फिर से बना रहे हैं, उसमें हमने कोड भी बनाया था। तो आज हम लोग उसी कोड को दोबारा से बनाने वाले हैं आप सभी लोगों के सामने। मैंने बस ये एक डिज़ाइन के लिए बनाया था, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं आखिर इसे बनाना कैसे चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बाहर यहाँ पर बहुत सारी पिलर्स लगाई हैं, ऐसी पूरी जगह पर लगेंगी और ऊपर आएगी हमारी स्लैब वैसे, और हमारी रूफ इससे एक लेयर ऊपर आएगी। और हमारा ये पिलर्स है, वो क्वार्ट्ज पिलर्स का है, पिलर क्वार्ट्ज ब्लॉक्स का है, बाकी सब क्वार्ट्ज ब्लॉक्स का ही है। और यहाँ पर मैंने कॉपर लगाया है और ये ग्रीन ग्रीन होना भी स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर हमने लगाई है आसासिया के वुड फ्लोर के लिए। आपको याद होगा कि ये हमारा पुराना मॉडल ही, मतलब हमारा पुराना कोट का मॉडल ही है जिसे हम दोबारा से बना रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई और आइडिया सूझ ही नहीं रहा था। तो जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। मुझे इतनी छोटी छोटी घर बनाने में कभी भी मूड नहीं होता, इंटरेस्ट ही नहीं होता। मुझे बड़े बड़े घर बनाने में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ऐसे बड़े बड़े बनाता हूँ। मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तो मैं सारी वॉल्स कंप्लीट कर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने अपनी वॉल ऑलमोस्ट बना लिए, बस यही बची थी। और हमने हमारी चारों साइड्स की वॉल्स बना लिए। अभी हम एक काम करते हैं, ये रूफ टॉप बना लेते हैं और फिर पिलर्स लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले बाहर से दिखना अच्छा दिखना चाहिए, फिर अंदर का दिखना चाहिए। सो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं और जाकर पिलर्स लगाते हैं। मैं अभी वी रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करने वाला, क्योंकि ये मैं जल्दी ही कर लूँगा, मुझे उतनी टेंशन नहीं है। यही है मेरा टेक्निक फास्ट फास्ट बिल्ड करने का, तीन तीन ब्लॉक्स एक ही बारी में लगा देता हूँ। पहले मैं ऐसे बाहर बाहर के सारे लगा देता हूँ गाइस, फिर जाकर अंदर से लगा देंगे। जल्दी क्योंकि हमें ये कोट आज ही ख़त्म करना है, फिर हमारी अगली माइनक्राफ्ट वीडियो में हमें
ऐसे ही हमारी स्टीव एसएमपी को दोबारा से बनाना है और पहले से बेहतर बनाना है। मतलब वे क्लियर वैसे ही तो हम नहीं बना सकते, पर सारी चीज़ें होंगी जो हमारी स्टीव एसएमपी में थी, और हम स्टीव एसएमपी में वो वाला कैसल भी बिल्ड करेंगे जो हमारी एक और वर्ल्ड थी, माइंड सिटी आवर कंट्री, और वहाँ से गुहा जाती थी एक सीक्रेट बंकर के लिए, जो जिससे सर्वाइवल में तो क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो हम वो भी यहाँ पर बनाने वाले हैं, वो वाला कैसल भी और वो वाला हाउस भी। शायद नीचे बहुत अंधेरा हो रहा है, पर होना पड़ेगा अभी, क्योंकि जब हम अंदर जाएंगे तभी हम यहाँ पर बहुत सारे लैंटर्न्स वगैरह लगा देंगे। और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। गाइस और बहुत थोड़ा ही बचा है, अगर हमने इसे कंप्लीट कर लिया तो मानो हमारा आधा घर बन जाएगा, क्योंकि वॉल्स और रूफ टॉप भी मेन था हमारे लिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमारे घर में, मतलब हमारे कोर्ट में ऊपर से शेल्टर ही नहीं होगी और सिक्योरिटी ही नहीं होगी एक तरह से। मतलब वो बिल्डिंग ही नहीं दिखेगी, कोर्ट ही नहीं दिखेगी बिना वॉल्स और रूफ टॉप के। सो गाइस हमने हमारी ये रूफ टॉप भी कंप्लीट कर लिए, अभी हमें पिलर्स लगानी है फटाफट। पहले ये हम जाके ये रूफ टॉप कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ की सारी रूफ टॉप कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस। सो गाइस हमने हमारी ये रूफ टॉप भी कंप्लीट कर ली है, अभी फटाफट से हम ये पिलर्स भी लगा देंगे। और हमारा कॉपर बहुत ज़्यादा कलर चेंज कर रहा है, मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं। नहीं, हाँ हाँ हम यहाँ पर पूरी क्रिएटिव में ही बनाने वाले हैं। जल्दी हम एक सर्वाइवल सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ये सब तो नहीं बनाएंगे पर बनाएंगे और भी बहुत सारी सीरीज स्टार्ट करनी है गाइस, जैसे कि वन ब्लॉक, हार्डकोर। मैंने इन सब की तैयारी पहले से ही करके रखी है, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इन सबको खेलने के लिए। जल्दी 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 लगा देंगे और फिर हमारा कोड बन जाएगा और हमारा सबसे पहला बिल्डिंग हमारा कोटी बनेगा। और यहाँ पर तो ठीक है, और यहाँ पर तो पूरा बन गया, और यहाँ पर तो पूरा ग्रीन ही हो गया। बाय।
बारिश शुरू हो गई। ये बारिश सिर्फ ट्राइडेंट वाले टाइम पर ही अच्छा रहता है, जैसे कि चैनलिंग से हम बिजली गिरा सकते हैं और रेप्टाइल से उड़ सकते हैं। अभी के लिए बेकार है। मतलब हमने ऑलमोस्ट बना लिया है, अभी 3-4 पिलर्स ही है जिसे हमें बनाना है। मतलब हमने ऑलमोस्ट बना लिए। तो गाइस, हमने हमारे कोट का बाहर का हिस्सा तो पूरा का पूरा बना लिया, अभी जाकर अंदर का बनाना पड़ेगा। यार चलते पहले, यार अंदर बहुत अंधेरा है, शायद हमें कुछ पकड़ना पड़ेगा। लैंटर्न्स अंदर लगा देंगे, लगे आती। चलिए अभी हमें इंटीरियर करना है, पर ये टॉर्च लगाऊं क्या, मुझे कुछ तो दिखाई भी नहीं दे रहा। तो गाइस हमने एक जगह पर तो लगा दिया, थोड़ी बहुत रोशनी तो हो गई है अंदर। या थोड़ी बहुत नहीं, बहुत हो गई है। नाइस, डिज़ाइन की तरह लगा देंगे, इससे क्या होगा हमारे कोर्ट में अंधेरा भी नहीं होगा और एक अच्छा डिज़ाइन भी बन जाएगा। या नाइस, शायद ये डिज़ाइन से कुछ नहीं होने वाला। हमें पूरा का पूरा यहाँ पर कॉर्नर लाइन में लैंटर्न से ही भर देता हूँ ऐसे, ताकि अच्छी खासी रोशनी हो जाए अंदर। यार ये अंधेरा तो जा ही नहीं रहा। ये
पहले हम थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगा देंगे, पहले यहाँ पर कॉर्नर में, मतलब ऐसे, मतलब ये टेम्पररी है, निकाल देंगे हम। ये बस टेम्पररी है दिखने के लिए। फिर हम इसे हटा ही देंगे। तो गाइस मुझे लगता है इन सब में बहुत टाइम जाने वाला है, तो मैं फ्लोर बनाकर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था, तो मैं मुझे एक आइडिया आया और मैंने यहाँ पर खिड़की बना दी और इसे थोड़ी डिज़ाइनिंग दे रहा हूँ। यहाँ तक और ये यहाँ पर, नाइस। एक साइड तो बन चुका है और दूसरी साइड बनाते हैं सेम ऐसे ही। और ये दो और ये एक तो बन चुका है, तो फटाफट से फ्लोर बनाते हैं और मिलते हैं। सो गाइस हमारी फ्लोर कंप्लीट हो चुकी है और मैंने यहाँ पर लाइट के लिए एक और टेक्निक लगाई है, जैसे कि कारपेट है और इसके अंदर लैंटर्न्स है, और ये थी टेक्निक। और स्टार्ट करते हैं हमारी असली कोट बनाना, मतलब कोट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी ऑडियंस के साथ, जहाँ पर हमारी ऑडियंस बैठेगी हम ऐसे, और ऐसे यहाँ पर से नहीं ऐसे, और ये ऐसे। तो ये बन चुकी है। ऐसे है और हमें ये पूरा कंप्लीट करना है ऐसे ही। फिर हम इस जगह को खाली छोड़ देंगे, इसके बीच में जो जगह थी वो खाली छोड़ देंगे। यार मैंने बेकार में ऐसा के लगाने में इतना टाइम ले लिया, इसके नीचे जहाँ पर हमारे जज सब बैठेंगे उसके नीचे, और यहाँ पर हम शायद हमारे कॉपर को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं हम असासिया की ब्लॉक्स ही यूज़ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये ऐसे 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 ऐसे, और ये हो गया। तो ये है हमारा एक ऑडियंस का रूम। अभी फटाक से दूसरा वालों के, दूसरों के भी बनाते थे, जैसे कि इस साइड वालों के, वरना इस साइड वाले रोएंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं बनाया बैठने की जगह।